जो फौलादी इरादा, तुझसे है मेरा ये वादा, लिख दे तू ऐसी कहानी, हो जाए दुनिया दीवानी, तू जीतेगा, तू खेल ऐसा खेल, तू खेल ऐसा खेल, जैसा कोई भी खेला ना हो, तू खेल ऐसा खेल, जैसा कोई भी खेला ना हो। दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसे सिंगर को लेकर आए हैं जिसका गाना सुनकर आप झूम उठेंगे। वो एक स्पोर्ट्स एंथम लेकर आए हैं, तो आइए उनसे ही जानते हैं कि स्पोर्ट्स एंथम के लिए उन्होंने क्या खास तैयारी की जिससे कि लोग उनसे रिलेट करें। तो समर्पित न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले मुझे बताएं कि नेशनल गेम्स में के लिए आप एक गाना लेकर आए हैं, इस गाने को लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोग उससे रिलेट करें, इसके लिए आपने क्या खास तैयारियां की है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, यहाँ पे हम नेशनल एंथम के लिए बात कर रहे हैं जी। सबसे खास बात तो तभी हो जाती है जब कुछ कोई कलाकार जब बनाता है जी, और वो बात हमारे देश के लिए हो। बिल्कुल। और एक्साइटिंग तब हो जाता है जब वो कुछ खेल हो, कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, तो या एक्साइटमेंट तभी बढ़ जाती है जब एक जिम्मेदारी मिलती है उन सारी चीज़ों के लिए, देश को लेकर खास तौर पर। डेफिनेटली। तो ये बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत बड़ी बात है कि अप्रोच वैसे किया जा रहा है कि 37 नेशनल गेम्स जज्बा गोवा में हो रहा है। इसी दौरान मैंने आपकी एक फ़ोटो भी देखी अमिताभ बच्चन के साथ, उस फोटो का क्या किस्सा है, थोड़ा सा बताया। कहानी एक्चुअली जब हम स्टार्ट किया हमने जब बनाना 37 गेम्स के लिए, तो एक नहीं कम से कम 5 गाने बने। ओके। क्योंकि होता है कि क्या कर सकते हैं, क्या एक्साइटमेंट और हो सकती है, क्या नया हो सकता है, क्या फ्रेश हो सकता है। तो जब बनते गए तो काफ़ी सारे गाने निकल के आए, तो एक गाना और था जो बहुत पसंद आया था बट वो फाइनली आप लोगों के सामने नहीं आया, जिसका नाम है विजय का डंका। वो इसी के लिए ही बना था। okay. इन 5 गानों में, जब 5 ही गाने मैंने उनको स्क्रैचेस दिए, सारी चीज़ों को प्रिपेयर किया, तो विजय का डंका जब बना, वो भी जितने भी सिग्नेचर आप सुन रहे हैं, खेल ऐसा खेल, विजय का डंका, ये सब उस समय मैंने लिखे थे। तो विजय मतलब दीनानाथ चौहान, अमिताभ बच्चन जी, वही याद आता। तो बात वहाँ से शुरू हुई कि गाने को विजय कौन, विजय, तो विजय नाम सुन के अमिताभ बच्चन जी याद आते हैं जी। तो बस बात वहीं अप्रोच हुई कि क्यों ना जस्ट बात रखी उन्होंने, समर्पित आपका क्या ख्याल है, किनको लाना चाहिए। तो मैंने बोला अगर विजय बात है तो फिर अमिताभ बच्चन जी से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, इंडस्ट्री के नहीं, वो तो सिनेमा जगत के शहंशाह हैं। तो बस वहाँ से बात हुई और ये कहीं ना कहीं मुकम्मल हो गया जी, अमिताभ बच्चन जी आने चाहिए। तो खेल में है, उनकी आवाज़ आप लोगों के सामने है। जी जी, मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि इस गाने में उनकी भी आवाज है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सूत्रधार है वो। कैसा फील हुआ आपको, कैसा लगा उस वक्त, कैसा लगा था कि अरे अमिताभ बच्चन जी खुद अपनी आवाज इस गाने को दे? बहुत ज्यादा कमाल लगा था, क्योंकि वो जस्ट बोलते हैं ना कि बेस्ट चीज क्या हो सकती है, तो मैंने तो जस्ट एक रखा कि ये इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती, और वो साकार हो गया। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, जब हम उनके घर पे गए तो हमारा टाइमिंग था कुछ 11:45 का जी, कि अमिताभ बच्चन जी आपसे उस समय मिलेंगे, और कुछ समय लेट हुआ, और जैसे ही वो एंट्री हुई, पहली बार तो दिल पूरा धक धक कर रहा था कि अमिताभ बच्चन जी आने वाले हैं। तो जैसे ही आए और उन्होंने बोला क्षमा चाहता हूँ,
उनके स्टाइल में जैसा एक उनका स्टाइल है कि क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा विलम्ब हो गया, विलम्ब हो गया। तो मैंने बोला प्रभु आप ऐसी बातें करेंगे तो मुझे माथा टेकना पड़ेगा पूरा। राइट। तो लेकिन उनका जो एक कि हम सब बच्चे हैं उनके सामने, सब हम सीख रहे हैं और इतनी बड़ी हस्ती आपके सामने बोल रही है मुझे विलम्ब हो गया कि मैं लेट हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने बोला कि कोई त्रुटि हो लीजिए। पहली बात तो मुझे ऐसा लगा कि हम रिकॉर्ड करेंगे, बट वो रिकॉर्डिंग थी नहीं, वो रिकॉर्ड कर चुके थे सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 बजे वो रिकॉर्ड कर चुके थे और उन्होंने मुझे पेन ड्राइव दी। पेन ड्राइव लेने के बाद उन्होंने बोला कि कुछ त्रुटि हो तो मुझे बताइए समर्पित जी, हम आपको फिर से रिकॉर्ड करके दे देंगे। तो वो सोचिए मतलब एक क्या टाइमिंग रहा होगा वो, कि वो क्या एक प्रोफेशनलिज्म ले लें हम जी। कि सर आपका ये चीज़ तैयार है और कुछ त्रुटि हुई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको करके भेज दूंगा। और वो भी जब हमारे सामने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन हो, तो हमें सबको सीखना चाहिए, मुझे तो बहुत सीखना चाहिए कि टाइम और एक परफेक्शन सारी चीज़ों में होना बहुत ज़रूरी, बहुत कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मैथिली के साथ भी एक ओरिजिनल सॉन्ग किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो इस गाने के बारे में दो चीज़ और बता दूँ कि स्वरूप खान ने गाया है इसको। Okay. मैंने कंपोज किया है गाना जी, और स्वरूप खान जिन्होंने आपको पीके में आपने सुना होगा टर्की छोकरो, बहुत कमाल कमाल के गाने गाए हैं उन्होंने इसमें, तो लिखा है सुशील कुमार ने जी, और स्वरूप ने गाया है, नंदिनी शर्मा ने इसको गाया है। बाकी रही मैथिली की बात, तो टाइम से अप्रोच हुआ उनका जब कॉल आया कि समर्पित मैथिली के साथ एक गाना करना है, मैंने बोला जब एक कंपोजर को बहुत सुलझे हुए आर्टिस्ट मिलते हैं, बहुत जानने वाले आर्टिस्ट मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैथिली इसमें बहुत पॉलिश्ड है क्योंकि वो हमारे संस्कृति की जो खुशबू है बहुत शेयर जानती है। तो बहुत खुश हुआ मैं कि हाँ मैथिली आ रही हैं, और बहुत प्यारी बात थी, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम कर। गाने के थोड़े से बोल ये जो आपका स्पोर्ट्स एंथम आने वाला है, अगर हमारे दर्शकों को भी सुनने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ कि सुशील कुमार ने बड़ा कमाल लिखा है, कमाल गाया स्वरूप ने और नंदिनी ने। दो में लाइन सुनाता हूँ आपको। ओ जो फला दे इरादा, तुझसे है मेरा ये वादा, लिख दे तू ऐसी कहानी, हो जाए दुनिया दीवानी, तू जीतेगा, तू खेल ऐसा खेल, जैसा कोई भी खेला ना हो, तू खेल ऐसा खेल, जैसा कोई भी खेला ना हो। बहुत बहुत प्रिया, बहुत शानदार, मजा आ। एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा, अच्छे दिखते हैं so, तो सिंगिंग में ही करियर बनाने की कोई खास वजह, आप एक्टिंग भी कर सकते हैं? सर थैंक यू, आप कह रहे हैं मुझे बट जो तालीम या जो अपब्रिंगिंग रही है वो तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान कुछ बन नहीं सकता, वो तब्दील हो जाता है जी। बिल्कुल। वो आपको रूट अपने आप मिल जाता है कि आप जब जाते हैं आपकी रूह क्या कनेक्ट करती है। तो जो मेरा रहा, मैं मंदिर में पैदा हुआ तो शुरू से ही वो घंटी, वो मंदिर की घंटी कानों में आई सुबह सुबह, पाठ साहब कीर्तन राम की धुने वो दिमाग में गई, पापा ऑल इंडिया रेडियो में थे तो सब कुछ वहाँ से मिला, रास्ते अपने आप बनते गए। ऐसी रही बिल्कुल, वो सिखलाई ही वैसी रही कि भजन से लेके जब और गुरुओं के सानिध्य में आया तो गज़लें कव्वाली। इंडियन क्लासिकल इसलिए रहा क्योंकि पापा की बहुत इच्छा थी तो इंडियन क्लासिकल सीख, इसीलिए आप ज़्यादातर गज़लें और भजन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो सारी चीज़ें अपने आप रास्ता लेते गए, बनाते गए। वो मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था? प्लान बिल्कुल, वो एक बाप तो देखता ही है चीज़ें कि मेरा बच्चा अगर ऐसा कुछ करे तो और अच्छी बात है, तो रहा पापा ने दिखाई मुझे और वो यहाँ तक लेके आ गए। आप स्ट्रगल को कैसे देखते हैं? मतलब हर आर्टिस्ट के लिए स्ट्रगल एक अलग चीज़ है, सबकी सोच उसको लेकर अलग अलग है, आप इसके लिए कैसे सोचते हैं? सर स्ट्रगल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फंसे हुए हैं तो स्ट्रगल में जी फंसा हुआ होना हमेशा सबके लिए स्ट्रगल है। ओके। तो मैं कभी अपने आप को फंसा हुआ नहीं माना, एक तप है
कि आप करते रहिए, आपको अगर मज़ा आ रहा है तो आपके लिए वो स्ट्रगल नहीं होगा जी, वो सीख होगी, वो जीत होगी। तो बस ये है कि हर चीज़ हर दिन एक मज़े के तौर पे लिया कि हाँ कोई अगर सिंगर है या कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो बस हम मज़ा कर रहे हैं, हम अच्छा बना रहे हैं, तो हमारे लिए जीत है। अब ये बात अलग है कि आवाम के सामने कुछ आता है कुछ नहीं आता है, कुछ चीज़ें बहुत हिट होती हैं कुछ नहीं होती, नहीं होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस करते करते रह रहे हैं। अब जैसे कि आपने कहा कुछ चीज़ें हिट होती हैं और कुछ नहीं होती, उसी से मेरे जहन में एक बात आई कि कभी ना कभी सबकी ज़िंदगी में, वो चाहे कोई भी फील्ड हो जी, एक वक्त ऐसा आता है जब हमें ऐसा लगता है नहीं यार मुझे ये नहीं कुछ और करना था। कभी आपको ऐसा लगा हो कि मुझे अब मुझे सिंगिंग छोड़ना है, बस अब मुझे ये काम करना ही नहीं? देखिए अपने लिए तो नहीं छोड़ना है, लेकिन हाँ शायद मैं ऐसा कर सकता था कि प्रोफेशनली शायद इस चीज़ को छोड़ देता जी, क्योंकि जो आजकल की चीज़ों की अप्रोच है, क्योंकि आर्टिस्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, आज कोई और चीज़ों को डिसाइड करता है जी, तो उनकी अप्रोच क्या है, वो इन सारी चीज़ों को कैसे लेते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए आर्टिस्ट कहीं ना कहीं टूटता है। हाँ वो एक टाइम मैंने कहा ना सबकी ज़िंदगी में जी, वो जी, आता जी, है। जी 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 तो मुझे किसी का म्यूज़िक का रिलेशन मुझसे टूटा हुआ या वैसा कभी नहीं लगा कि मैं अपने लिए म्यूज़िक छोड़ दूँ जी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगा कि हाँ इस प्रोफेशन को शायद मैं थोड़ा सा वैसे करके कुछ अलग करूँ जी, बट शायद मालिक ने कभी करने नहीं दिया। होना भी नहीं चाहिए कभी। मतलब हमें अपने प्रोफेशन का सबको थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होता है। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप संगीत की दुनिया में हमें बता सके कि ये बदलाव आना चाहिए या ये चीज़ होनी ज़रूरी है जो शायद अब तक ना हो? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि हम बोलते हैं कि वक्त बदलता है या सारी चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन ऐसा है कि सब सटीक है, अपने अपने चीज़ों पर जो जो इंसान को करना है वो कर रहा है जी, तो अच्छा हो रहा है, और जो सामने आ रही जो जिसको देखना है वो देख रहा है जी। क्लासिकल भी अपने हिसाब से बहुत, बहुत चरम पे है, बिल्कुल। किसी को गज़ल सुनने तो गज़ल की अगर दुनिया में जाएँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, भजनों में जाएँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो अच्छी बात ये हो गई कि हमारे हाथ में आज रिमोट है, स्पॉटिफाई है, गाना है, ये है, तो आज अगर मैम को कुछ सुनना है तो अपनी दुनिया में वो तब्दील हो सकती है कि ये मेरी दुनिया है, मैं इसको सुनना चाहती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सब अच्छा है। ज़्यादा समय ना लेते हुए बस ये चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर सिंगर ना होकर आप एक्टर होते तो कौन सा जॉनर आपका फेवरेट होता है? एक्शन, कॉमेडी, नेगेटिव, पॉजिटिव, किस तरह के रोल करना पसंद? गुरुदत्त साहब मुझे बहुत पसंद है, दिलीप कुमार साहब बहुत पसंद है मुझे, तो शायद जो रियलिटी और जो एक जिस तरीके से वो इंगेज हैं सारी चीज़ों से, या उन्होंने जो जॉनर हमेशा पकड़ा है, तो वैसी सारी चीज़ें करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। रोमांटिक, ड्रामेटिक, ड्रामा, ये सब सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, डेफिनेटली इंटेंस। सिंगिंग की दुनिया में ऐसा कोई जो आपके लिए आइडल है सिंगिंग की दुनिया में, और अगर कोई है ऐसे तो प्लीज़ मुझे उनका एक कोई गाना गुनगुना के दिखाएं। सर अभी कमाल है, डेफिनेटली सोनू निगम साहब, अरिजीत जी है ही, सब बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं जी, बट जो दिल में बसे हैं वो रफ़ी साहब हैं और शायद नौशाद जी, जो हमेशा उनका म्यूज़िक ही पसंद आया। उनका कोई गाना जो हम सुन, बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करूंगा मधुर आवाज में ट्राई करता हूँ। शायद बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा ये, बट मैं चाहता हूँ ये सारी चीजें सुने। दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने कहा कि शायद लोगों ने ना सुना हो, लेकिन मैंने अपने फादर साहब से ये गाना ज़रूर सुना है, तो इसलिए मैं तो जानता था इस गाने। समर्थ साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे फिर से मुलाकात हो। बिल्कुल ज़रूर ज़रूर। तो इसी तरह के और इंटरव्यूज़ देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल के साथ। नमस्कार।